So last day we have finished with the dabba rule. Dabba rule bole to chain rule, and we have finished with implicit functions differentiation, except those जहाँ पे inverse trigonometry involved हो, right है? उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, and I think I have given you a shortcut also if I am not wrong. Did I give a shortcut to you? दे दिया था शायद ना? कोई बात नहीं. तो आज हम दो मेथड एक साथ सीखेंगे, मतलब एक्सरसाइज 5.4 एंड 5.5 दोनों एक साथ सीखेंगे. विल स्टार्ट विद. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये मेथड नहीं है एक्चुअली, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टॉपिक को दोनों को एक साथ मार्ज कर देता हूँ. इट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये दोनों को एक्चुअली सेपरेट करके पढ़ना नहीं चाहिए, सेम होना चाहिए. दे शुड बी स्टडीड इन द सेम वे. सो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. उससे पहले हमको जानना तो पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है और इनका क्या छोटा मोटा प्रॉपर्टीज है. पहले इसको हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे. तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या. तो मतलब जब तुम फंक्शंस देखोगे, किस टाइप का फंक्शंस को तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलोगे. एक्चुअली वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, जब भी तुम ए टू डी पावर एक्स नामक फंक्शन देखोगे, राइट, हियर वी शुड कंसिडर ए टू बी पॉजिटिव. तो ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. इस टाइप का ए इज ए कॉन्स्टेंट एंड इट शुड बी पॉजिटिव. इसका एक स्पेशल फॉर्म हमें मिलेगा जो है e टू द पावर x, राइट. ये स्पेशल फॉर्म है जिसमें a का वैल्यू हमने क्या रखा है, e रखा. e का वैल्यू 2.73 समथिंग है. एग्जैक्ट वैल्यू आई एम अनेबल टू टेल यू राइट एट दिस मोमेंट. तो ये एक स्पेशल है, यस, बट जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलरेडी मार्क्ड. दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो प्लीज काइंडली नोट दिस. So this is a general exponential function. Okay. So सबसे पहले हम लोग, मैं थोड़ा सा lazy बन के यहाँ पे express करूँगा तुम लोगों को, because you should know that. Lazy बन के इसलिए express करूँगा because इसके बारे में जानना जरूरी है. ये एक ऐसा function है, right? ये एक ऐसा function है जहाँ तुम x equal to zero input दोगे तो एफ एक्स या फिर वाई का वैल्यू वन निकलेगा. देख लो तो हमेशा के ऑलवेज, दैट मींस इसका ग्राफ हमेशा 0.1 से पास करेगा. 0.1 से हमेशा कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा 0.1 से पास करता है, ठीक है. सेकेंडली एक ध्यान देने का बात है, ए टू डी पावर एक्स, ये जो वाई इक्वल टू ए टू डी पावर एक्स है, इसमें मैं तो ए पॉजिटिव रखा हूँ, लेकिन दो कहानी हो सकता है, ए ग्रेटर देन वन हो सकता है और ए लेस देन वन हो सकता है, राइट. ग्रेटर देन वन होने से देखो, इसमें देखो, अगर ग्रेटर देन वन होता है ए टू डी पावर एक्स विल गो अप एज एक्स विल गो अप, मतलब जब जब एक्स बढ़ता जाएगा तब तब ए टू डी पावर एक्स विल बी बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर. और अगर ए लेस देन होता है तो ए टू डी पावर एक्स नीचे जाएगा एज एक्स विल गो अप. कहानी क्या है, हम एक एग्जांपल से तुमको दिखाते हैं, देन इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड. मान लो वाई इक्वल टू 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 डी पावर एक्स रखा, ये ए का वैल्यू है और ये ग्रेटर देन वन है. तो देखो, जब तुम एक्स का वैल्यू वन रखोगे आंसर है टू टू डी पावर वन, टू रखोगे तो टू टू डी पावर टू, थ्री रखोगे टू टू डी पावर थ्री. एनी वे एक्स कैन बी एनी वैल्यूज, एनी रियल वैल्यू, ठीक है. लेकिन मैं जस्ट कंप्रीहेंड करने के लिए वन टू थ्री ले रहा हूँ, सो दैट इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. तो मैंने एक्स को बढ़ा दिया तो वैल्यूज टू टू डी पावर वन, टू टू डी पावर टू, टू टू डी पावर थ्री, ऐसे करके बढ़ गया, क्योंकि ये टू जो है ग्रेटर देन वन है. अगर कहानी में मैं ये टू को टू नहीं लिख के पॉइंट टू लिख दिया होता, पॉइंट टू,
तो फिर देखो x इक्वल टू वन होने से क्या होता, पॉइंट टू होता। x इक्वल टू टू होने से कितना होता, पॉइंट टू स्क्वायर होता। तुम्हें लग सकता है कि ये बढ़ गया, बढ़ नहीं गया, क्योंकि पॉइंट टू को जब स्क्वायर करोगे 0.04 आएगा। जब x इक्वल टू थ्री लोगे तो पॉइंट टू को क्यूब करना है तो तुम्हें मिलेगा 0.04, सॉरी 0.08। आप देखो ये 2.2 था, ये 0.04 हो गया, ये और भी छोटा हो गया। मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि जब तुम इस ए के ऊपर डिपेंड करोगे तो तुम्हें दो टाइप का ऑप्शन मिलता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग अभी एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट? ठीक है, ये अभी अगर लिख भी नहीं पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इमिडिएटली मैं ये पूरा शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ। तो बस देखो ध्यान से, ग्राफ बना लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक बात हमने ऑलरेडी ट्राई, ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड इट, या फिर ऑब्जर्व कर लिया कि हमेशा ग्राफ जो है 0.1 के पॉइंट से पास करेगा, राइट? तो मैं जब ए को ग्रेटर देन रखूंगा 1 से, इफ आई कंसिडर ग्रेटर देन 1, तो जब जब x बढ़ता जाएगा y का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, y का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, मतलब तुम्हारा ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ध्यान से देखना, ये पूरा एग्जैक्टली मैं नहीं बना पाया, एकदम कर्व नहीं हुआ, ये ऐसे करके जाएगा। और ये जितना से तुम x को कमाते जाओगे ये नेगेटिव नहीं होगा, मगर ध्यान में रखना x का कोई भी वैल्यू डालो ये वाले ओवरऑल में नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। मतलब y का वैल्यू हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, इट विल नेवर गो डाउन। तो ये रहेगा ग्राफ, कर्व तुम्हारा किसका, y इक्वल टू a टू द पावर x का, जब a तुमने ग्रेटर देन 1 रखा। ठीक उसी तरह से अगर बाई चांस तुमने a को लेस देन 1 रख दिया होता तो क्या होगा, जब x बढ़ाओगे y घटेगा, x कमाओगे y बढ़ेगा। तो इन दिस केस योर ग्राफ विल बी पासिंग टू द पॉइंट दिस, ये तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ग्राफ कैसे जाएगा, एंड इट विल मीट एक्स एक्सिस समवेयर इन द इंफिनिटी, लेकिन नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान देना। ये दोनों हो गया तुम्हारा ग्राफ, ये ग्राफ हुआ वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ही, जब ए लेस देन 1 हुआ और ये ग्रेटर देन, राइट? और जीरो के लिए हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो के लिए करने से क्या होगा, ए के लिए ए टू द पावर 0 जीरो ही होगा, राइट? है ना, वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो तुम्हें ग्राफ का आइडिया मिल चुका है, तो अभी ग्राफ का आइडिया मिल चुका है तो हम लोग इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, वी गेट अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ ई टू डी पावर एक्स, एक ही फॉर्मूला है इसमें, ई टू डी पावर एक्स, और डी डी एक्स ऑफ ए टू डी पावर एक्स जब जेनरलाइज करोगे तो ये होता है ए टू डी पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स, लॉग नहीं एक्चुअली लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई होना चाहिए। आप, मैं तुम लोगों को ये करेक्ट करके देता हूँ, बुक में ऐसे लिखता है, लिखना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए एल एन ऑफ एक्स। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस कैन बी ए पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब ln लिखा आएगा इसका मतलब बेस इज e, और जब log लिखा आएगा बेस इज 10, और अगर log के साथ लिखना है बेस तो ऐसे करके दिखा देना पड़ेगा। सो ये दोनों फॉर्मूला है हमारा e to the power x का। फिर आएगा हमारा logarithmic फंक्शन, logarithmic फंक्शन का फॉर्मूला लिख देते हैं, ग्राफ अभी नीचे बनाएंगे हम लोग, ये भी जानना चाहिए। logarithmic फंक्शन डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1/x। बस यहाँ पे याद यही रखना है कि लॉगरिथम जो फंक्शन है ये डिफाइन नहीं होता है जब एक्स इज नेगेटिव या फिर 0, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? कहानी को याद रखो, प्लीज ट्राई टू। लिखा हुआ होने से एक बार इंडिकेट कर देना मुझे। हो गया होगा,
तो मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ अभी, तो गो फॉर द लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, इन्हें नटशेल में समझा देता हूँ। वी हैव बीन नोइंग द रिलेशन दिस ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन, इसी रिलेशन को हम लोग एक दूसरे तरीके से लिख देते हैं, वही है लॉगरिथमिक, ये यही है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये नोटेशन है। मतलब ये लिखने का मतलब है बैकग्राउंड क्या है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन बस, और ध्यान में ये रखना है कि ये जो n है इट शुड बी पॉजिटिव, नीचे जो बेस है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी इक्वल टू वन, वी अवॉइड दैट, दैट्स ऑल, ठीक है, ये होना चाहिए हमारा। तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी, उससे पहले दो चार प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। Because you know the properties, so I am not explaining it very clearly. Base यहाँ पे A लिख सकते हो तो properties क्या बोलता है, you can distribute this, add होगा दो के लिए होने से ये तीन के लिए भी same process में होगा। m by n अगर होगा log of m by n तो ये होगा log of m minus log of n minus होगा। उसके बाद नंबर थ्री, लॉग ऑफ एम टू द पावर एन अगर होगा तो इट विल बी ऐसा है, ठीक है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड है, जब बेस और ये दोनों इक्वल होता है वैल्यू वन होता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस, सॉरी लॉग ऑफ वन टू द बेस ए मतलब जीरो होता है, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। मान लो किसी कारण तुम्हें बेस को चेंज करना पड़ा, जैसे यहाँ बेस ए है, मुझे ए नहीं चाहिए, मैं बी लाना चाहता हूँ, तो बेस में दोनों सेट, दोनों ऊपर नीचे बी रखो, और इसमें मेमोरी दे रहा हूँ अभी, ध्यान से देना, कोई लॉजिक नहीं है, ऊपर एम दिख रहा है नीचे ए दिख रहा है लेवल के हिसाब से। अगर यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होगा एम ऊपर ए नीचे, तो जो ऊपर है फॉर्मूला चेंज के बाद ऊपर ही रहेगा और जो नीचे है नीचे ही रहेगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। इसमें ये अप्लाई करके तुम क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द बेस ऑफ द लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये बना तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा और भी दो चार रूल्स हैं, वो भी मैं बोलूंगा टाइमली जब यूज करूँ, फिलहाल इतने से तुम्हारा काम आराम से निकल जाएगा एंड देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और भी है, सम प्रॉब्लम्स आर देयर, सम क्वेश्चंस आर देयर दैट वी टेक व्हेनेवर वी, प्लीज राइट इट, आई गिव यू 10 सेकंड्स फॉर राइटिंग दिस, फिर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ कैसा हो। ओके, पहले ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स बना लेंगे। ग्राफ, ग्राफ एक्चुअली जानने से एक अच्छा होता है, इसीलिए मैं ग्राफ बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले एक बात को ध्यान देना चाहिए था, अभी उसको लिख लेते हैं, बिकॉज दैट इज वहाँ जैसे हमारे पास एक पॉइंट था, लॉगरिथमिक भी एक पॉइंट है, यहाँ पर जगह थोड़ा है, इसमें मैं लिख देता हूँ। अगर हम जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग x लिखते हैं, बेस को e पकड़ेंगे बिगिनिंग में, ठीक है, या फिर एक काम करो e नहीं a पकड़ो, तो यहां से देखना हमेशा, अगर x जीरो होता है, सॉरी x जीरो में तो लॉगरिथमिक डिफाइन ही नहीं होगा, x वन होता है, हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं,
एक्स अगर वन होता है, लॉग वन हमेशा जीरो होता है, दैट मीन्स वाई विल बी जीरो इरेस्पेक्टिव ऑफ द बेस, तो ये हमेशा वन कोमा जीरो में पास करेगा, हर एक लॉगरिथमिक फंक्शन वन कोमा जीरो से पास करेगा, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो कोमा वन से पास करता था, ये वन कोमा जीरो से पास करेगा। ये मैं थोड़ा टाइम लेके इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नो। तो वन कोमा जीरो ये हो गए, ये पॉइंट है वन कोमा जीरो, इससे लॉगरिथमिक फंक्शन पास करेगा। अच्छा, इसमें फिर एक कहानी आ गया, ध्यान देना, तुम्हारे पास यहाँ पे भी इस ए का दो ऑप्शन मिलेगा, या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो ये लेस देन होगा, या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो ये लेस देन होगा, राइट। तो हम रिलेशन थोड़ा यहाँ से अगर हमें डाउट होता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, जब ये ग्रेटर देन होगा, जब ये ग्रेटर देन होगा क्या होगा, व्हेन x increases, तो that will tell you that y will also be increasing. और जब ये less होगा, x जब increase करोगे, y decrease करेगा। अच्छा, ये सबसे आसानी से जानने का तरीका क्या है? तरीका बहुत clear है, because exponential हमें पता चल गया, right? तो अभी देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा बुद्धि करते हैं। इसको logarithm में मान लो हमें doubt ही है, तो हम इसको बढ़िया से क्या करेंगे, फॉर अ मोमेंट इसको हम लॉगरिथमिक नजर से नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे इस नजर से। अब तुम्हें पता चल जाएगा, अब तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है, जब ए ग्रेटर देन वन होता है दोनों एक साथ बढ़ेगा, मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, और जब लेस देन होगा दोनों उल्टा होगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई कमेगा, वाई बढ़ेगा तो एक्स कमेगा। क्या ये समझ में आया? बस इसी का आइडिया लेके हम लोग अभी ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उससे और एक कहानी तुमको याद रखना है। क्या कहानी याद रखना है? देखो, तुम लोग क्लास 11 में लॉगरिथमिक फंक्शन निकाला था, जब ये जो एक्स है, लॉग ऑफ कुछ क्वांटिटी जो लेस देन वन है, डेसिमल में आता है ऐसे करके, इसका वैल्यू निगेटिव निकलता है, मतलब वन से छोटा जो भी होगा उसका वैल्यू निगेटिव निकलेगा जब ए ये होगा पॉजिटिव, सॉरी ग्रेटर देन वन। तो ये तुम यहाँ से भी आइडिया कर सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व दिस हियर आल्सो, ए को बड़ा रखो वन से, राइट, और एक्स का वैल्यू को तुम ये करो, एक्स का वैल्यू को वन से छोटा रखो, वन से छोटा रखो, वन से छोटा, मतलब मान लो 0.5। तो आप बोलो ये तो बड़ा नंबर है वन से, मान लो टू, टू के ऊपर क्या पावर चलाने से 0.5 होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव पावर नहीं होगा, नेगेटिव पावर ही चलाना पड़ेगा, पॉजिटिव पावर चलाने से टू टू की पावर बड़ा हो जाएगा, राइट, तो इसमें पावर क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब वाई का वैल्यू नेगेटिव। बस इतना ही समझाऊंगा, इसको आगे बढ़ा के तुम लोग काम कर लेना। तो इसका मतलब है, जब जब हम लोग x को बढ़ाएंगे फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए, मैं अभी फिलहाल a ग्रेटर देन 1 का बात बोल रहा हूँ, तो इसमें तुमने देखा a ग्रेटर देन 1 होने से x बढ़ेगा तो पॉजिटिव वैल्यू ऐसे जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, और x कमेगा 1 से नीचे आएगा तो नेगेटिव वैल्यू तक जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा ग्राफ लॉगरिथम का, जब तुमने a को ग्रेटर देन वन पकड़ा। अगर उल्टा कर दिया तो क्या होगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, मतलब इस बार ऐसा है, ध्यान से, मेरा कार्व इतना परफेक्ट नहीं बना, ये दिस इज फॉर ए लेस देन वन, राइट। तो ये दोनों बन गए तुम्हारा लॉगरिथमिक कार्व। सो प्लीज एक बार देख लो, जस्ट नो नीड टू कॉपी बिकॉज ये मैं शेयर कर दूंगा, जस्ट यू सी। एनी क्वेश्चंस टू आस्क? 2 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछो। मैं अभी क्योंकि प्रॉब्लम शुरू करने वाला हूं, अभी मैं प्रॉब्लम शुरू करूंगा, ये इतना थोड़ा सा टाइम मैंने 20 मिनट का गवा दिया। Only to explain you these two curves. चलूं आगे?
है तो सही है, सब लोग ठीक है, चलते हैं। अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम करके आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली। ये तीनों फॉर्मूला है, अभी इसके साथ डब्बा रूल मिक्स होगा फिर, राइट, डब्बा रूल मिक्स होगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज तुम लोग कर लेना, राइट। फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द, सिंपली आई एम राइटिंग लाइक दिस, फाइंड द डेरिवेटिव। पहले लॉगरिथमिक नहीं, पहले एक्सपोनेंशियल का करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अलग है। मान लो यू आर गिवन साइन एक्स बाई ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स बाई ई टू द पावर एक्स, तो यू नीड टू फाइंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई ई टू द पावर एक्स। सबसे पहला जो ख्याल तुम्हारा दिमाग में आएगा u बाई v का आएगा। u बाई v का याद रहने का मैं तरीका बताता हूँ, u बाई v नीचे भी इसको u v माइनस u v करो, इसमें डैस, इसमें डैस लगाओ बस। तो इसमें डायरेक्टली क्या होगा, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बोले तो ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर, देन डी डी एक्स ऑफ यू डेट इज साइन एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई होगा ई टू दी पावर एक्स, फिर साइन एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, बस हो गया कहा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो एंड यू विल गेट द रिजल्ट, क्या आएगा, नीचे ई टू दी पावर ट्वाइस एक्स, ये साइन एक्स का कॉस होगा, तो e टू दी पावर x cos x, फिर ये e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा sin x, दोनों से ऊपर नीचे से एक e टू दी पावर x कॉमन आएगा, यू कैन सी दैट देयर इज अ कॉमन e टू दी पावर x, तो इसको ऐसे करके कर लो एंड देन यू कैन कैंसिल इट एंड यू कैन गेट द फाइनल आंसर। व्हाट इज द फाइनल आंसर, e to the power x cos x minus sin x, great, so this is the answer, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका एक alternative जुगाड़ भी बोल देते हैं, let me tell you about the alternative, क्योंकि तुम्हें हो सकता है कि ऐसा लगे नहीं मैं सर alternative भी करना चाहता हूँ, basically alternative will be giving us help when we will be doing it for some simpler function. You can write this in fact as e to the power minus, ठीक है, तो तुम्हें immediately alternative में क्या मिल जाएगा, u into v मिल जाएगा, देखा है ना, u into v मिल जाएगा, तो u into v मिलने से क्या होगा, पहले ddx of u, फिर ये ऐसे रहेगा, plus इस बार ये sin x, ddx of e to the power minus x, बहुत बढ़िया, sin x का हो गया cos x, e to the power minus x ऐसे ही रहा, फिर sin x तो इधर sin x ही रहेगा, e to the power minus x का e to the power minus x ही है, लेकिन x के जगह minus x है ना, डब्बा रूल, e to the power डब्बा, फिर डिफरेंशिएट करोगे minus x को, वो लिखूंगा नहीं, minus वन आ जाएगा, तो यहां से तुम कॉमन ले लो, लेने से ये आ गया, बोथ द आंसर सेम, यहाँ पे e टू दी पावर एक्स को ऊपर उठाने से भी सेम आएगा, क्या ये समझ में आया, प्लीज लेट मी नो समझ में आया है या नहीं आया है। यस सर, ओके, सो अभी हम आगे बढ़ेंगे, दिस आर नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। नाउ नंबर टू, नंबर टू मतलब बी, तो सपोज यू आर गिवन दिस टू डिफरेंशिएट ई टू द पावर से 5x प्लस 3, ई टू द पावर 5x प्लस 3, तो करो क्या प्रॉब्लम है, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 5x प्लस 3, तो क्या होगा, ई टू द पावर 5x प्लस 3 मतलब ई टू द पावर डब्बा, ई टू द पावर डब्बा मतलब ई टू द पावर डब्बा हो गया, और डब्बा जब बुलाया, डब्बा रूल क्या बोलता है, यू हैव टू डिफरेंशिएट वंस मोर, सो इट विल गिव यू 5 e टू द पावर 5 x प्लस 3, हो गया कहानी का तमाम। नंबर 3 सी पकड़ते हैं, मान लो, अच्छा इसको फिक्स करते हैं, 2 नहीं, ए नहीं देंगे इसको, मान लो वी गिव इट एज
टू 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 डी पावर सपोज किसी ने बोल दिया साइन एक्स, टू टू डी पावर साइन एक्स का किसने डिफरेंशिएशन निकाला, टू टू डी पावर साइन एक्स, राइट। इसको कंपेयर किसके करेंगे पहले समझने के बाद है। लेकिन देखो ए इज ए टू इज ए कॉन्स्टेंट, तो इसके साथ कंपेरिजन ए का होगा, और साइन इज फंक्शन ऑफ एक्स, सो इसके साथ कंपेरिजन होगा एक्स का। लेकिन फॉर्मूला इसके लिए बना हुआ है, टू चाहे कुछ भी हो फॉर्मूला बना हुआ है। व्हाट इज अ फॉर्मूला? इफ यू रिमेंबर बीडी एक्स ऑफ दिस विल बी गिविंग यू व्हाट, लॉग ऑफ ए इनटू ए टू डी पावर एक्स। मतलब जो फंक्शन है वो फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा, लॉग ऑफ ए, ए मतलब लॉग ऑफ टू हो गया, और जो फंक्शन है ऐसे ही रह गया। अरे भाई ऐसे तो तब रहेगा जब ए टू डी पावर एक्स होगा, तुम तो ए टू डी पावर डब्बा को डिफरेंशिएट किया ना, तो ए टू डी पावर डब्बा जो है उसको और एक बार डिफरेंशिएट कर डब्बा वाला पार्ट को। तो ये लॉग टू है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बिकम कॉस एक्स, और ये रहेगा इस, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। आई डू होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। But still, for my sake of confirmation, definitely I'll be asking you whether you have understood or not. क्या ये समझ में आया? आया, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में, फिर नेक्स्ट वाले में। इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, इज नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम एट ऑल। सो अभी लेते हैं, फिर ऐसे भी हो सकता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ई टू डी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल को अंदर हो जाएगा, दे दो भाई, क्या प्रॉब्लम, क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ई टू डी पावर एक्स। अच्छा, कॉस ऑफ डब्बा मतलब माइनस साइन ऑफ डब्बा, बना दिया डब्बा, अब डब्बा को डिफरेंशिएट करिए, कर दिया ना डब्बा को डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या मिलेगा, ये वन मिलेगा, और एक साथ इसको कर लेते हैं ना। पहले डी डी एक्स का ये हिस्सा पहले मैंने लिख दिया, और यहाँ पे बचेगा साइन एक्स प्लस ई टू डी फोर एक्स, हो गया आंसर। छोटा छोटा प्रॉब्लम, देखो ये छोटा प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Because of that, I am picking these problems. E. Suppose तुमको किसी ने ये निकाल लिया। Suppose somebody asks you to find this log of x whole square and then sine of e to the power 3x plus cos x. चलो थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देते। आप ध्यान से देखोगे। प्लीज ध्यान से देखोगे, इसमें दो फंक्शन हो गया, ये एक हो गया u बनेगा, ये पूरा बनेगा p। अब ये दूसरा बात है कि दोनों डब्बा का ही बात है, वो था डब्बा ओनली। तो डी डी एक्स ऑफ, जब ये करेंगे पहले पूरा फंक्शन को लिख तो लें, ये x स्क्वायर जैसा कंपेयर होगा डब्बा स्क्वायर, और ये साइन डब्बा कंपेयर होगा। तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ टू राइट द रिजल्ट। तो पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, u को, दैट इज log ऑफ x स्क्वायर, फिर इसके पीछे चोर जैसा बैठा रहेगा कौन, e टू दी पावर 3x प्लस cos ऑफ x, फिर ये होगा नेक्स्ट वाला sin ऑफ e टू दी पावर 3x प्लस cos ऑफ x, और डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, ये log ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, बस अभी डाल लो, क्या डालोगे, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, टू लॉग एक्स होगा। अच्छा, तुमने डब्बा स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, इसका मतलब लॉग एक्स को फिर डिफरेंशिएट करना है, ये एक्स, और यहाँ पे तुम्हारा ये कहानी तो पीछे पीछे आएगा ही। इसके बाद ये वाली कहानी तो ऐसे है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने गड़बड़ किया ना, मैंने एक गड़बड़ किया, देखा है क्या बढ़िया गड़बड़ किया, मास्टर है, इसको मास्टर बोलते हैं।
ये देखो दोनों में सेम फंक्शन को ही लिख दिया, तुम लोग सो रहा है क्या? आर यू ऑल स्लीपिंग? हेलो, ये तो इसमें ऐसे रहेगा डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ई टू डी पावर डिस प्लस कॉस एक्स। अच्छा कहानी ऐसा है, आप करो क्या होगा, साइन साइन का क्या होगा, कॉस, डब्बा चलेगा अंदर, ये डब्बा चला। अच्छा इस बार हम लोग थोड़ा मजबूत हो गए ना थ्योरी पढ़ के, इसके पीछे क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन हो गए ई टू डी पावर थ्री सिक्स का डिफरेंशिएशन, तो मैं डायरेक्टली थ्री ई टू डी पावर थ्री सिक्स लिखा, कॉस का डिफरेंशिएशन ये लिखा, हो गया। अब इसके बाद एक ही स्टेप तुमको लिखना है, जस्ट टू अरेंज द टर्म। ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम है ई टू डी पावर एक्स वाला, मतलब एक्सपोनेंशियल वाला, आई गो फॉर नाउ लोअर एटॉमिक। तो ये कैसे होगा, टू बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स, इसके बाद साइन ई टू डी पावर थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिखो, लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर, फिर ये वाले टर्म को लिखे आओ पहले, माइनस साइन एक्स, फिर ये रखो, यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख दिया, ये मल्टीप्लीकेशन है मगर ध्यान देना, बस हो गए कहानी का समाप्ति। गिविंग यू 10-15 सेकेंड्स होने से प्लीज बोल लेना, अभी हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। 5.4 का काम तमाम हो गया, क्लास है वो लास्ट एग्जाम में। हाँ राइट, थैंक यू। तो आगे बढ़े लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, आगे बढ़ते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, दिस विल बी ऑल नाउ ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस। क्वेश्चन नंबर 2 बोल के देता हूँ, राइट, कहानी वही है, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव। अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो तुम्हें पता चल गया, जब फंक्शन ई टू डी पावर एक्स फॉर्मेट में रहेगा तो तुम उसको यूज करोगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करोगे। देखो लॉग का डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दोनों अलग अलग चीज है, समझ में आना है, बट प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं है, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस, तो प्रोसेस कहाँ अप्लाई करोगे, राइट, ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से सुनना। पहली बात, एक फंक्शन जिसमें बहुत सारे मेनी ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन्स, राइट, विथ एक्सपोनेंट्स, ऐसा टाइप का हो, या फिर ऐसा मिले जिसमें बेस में भी वेरिएबल हो, वेरिएबल का फंक्शन हो, कुछ भी हो और इसमें भी वेरिएबल हो, इस टाइप का दोनों फंक्शन जब मिलता है तब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं दोनों का एग्जांपल लेके देता हूं, सो दैट यू कैन सी कि हाँ भाई इस टाइप का होने से मैं इसमें यूज करूंगा, उसमें होने से ये यूज करूंगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हें कल को किसी ने बहुत ही घटिया टाइप का ऐसे लिख के, ये वैसे इतना घटिया मैंने लिखा ही नहीं, इससे खतरनाक घटिया आएगा, 7 राइट, इसमें आ गया 2x + 3² इसमें यू बाई वी भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक हो सकता है जिसमें लॉगरिथमिक तुम्हें यूज करना है, राइट, या फिर कोई ऐसे बोल दे सकता है 2 to the power sin x + x to the power cos x + x के ऊपर sin x + 10x,
राइट, ये एक्चुअली वो सेकेंड वाले टेक में गया, ये तो एक्सपोनेंशियल में आ गया ये पार्ट, ये देखो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। तो ऐसा टाइप का फंक्शन जब तुम देखोगे, तुम्हारा मुलाकात होगा, तब तुम्हें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को याद करना है। एम आई क्लियर हियर अबाउट द यूटिलाइजेशन? क्या मैं क्लियर हूं अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो अभी देखोगे दो तीन और इम्पोर्टेंट, अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोला था कि दो चार और हैं, और भी रहेगा इसके बाद भी, मैं टाइम ही देता जाऊंगा जब जब चाहिए। एक तो सबसे पहला काम है ए टू डी पुअर बी जब होगा, इसको हम लोग एक कहानी करके लिख सकते हैं। कहानी है ई टू डी पावर ए, सॉरी बी लॉगरिथम ऑफ ए, ई टू डी पावर बी, ये थोड़ा बी साफ नहीं दिख रहा, इसको साफ कर देते हैं, ये याद रखना हमेशा, ये बेस ई है। जैसे कल को अगर तुम्हें मिला, मान लो किसी ने बोल दिया x टू दी पावर y है, तो दिस शुड बी रिटन एज दिस, ठीक है, ये तुमको रीडिली लिखना आना चाहिए। उसके बाद फिर और एक याद करो, एक्चुअली इसी का ही कहानी है, इसी का ही कहानी है, इसी कहानी को तुमको एक दूसरे तरीके से भी देखना है। कोई भी एक नंबर जो है, यहाँ कोई भी नंबर है, मतलब यहाँ वन हो गया पावर बी नहीं लिखा, मतलब तो ऊपर वाला पावर फॉर्मूला में अगर वन बैठा के करोगे तो तुमको क्या नजर आ जाएगा, ये नजर आ जाएगा। कभी कभी टोपी पहनाने के लिए क्या कर सकता है क्वेश्चन पेपर में, एक फंक्शन को ए नहीं देके वो दूसरा वाला हिस्सा बना के तुम्हारे सामने पेश करके दे सकता है, तो अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको ध्यान से देखना, ये दोनों तुमको याद रखना है। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं प्रॉब्लम शुरू करूंगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम क्वेश्चंस। ये तो क्वेश्चन में टाइप बना दिया, अब देख मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी किसका डिफरेंशिएशन निकालना है। पहले छोटा छोटा शुरू करते हैं, सो दैट वी गेट क्लियर कट आइडिया ऑफ व्हाट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज। सपोज मैंने तुमको dy dx निकालने दिया, फाइंड dy dx, डेरिवेटिव बोलते नहीं देखे, dy dx बोल दिया। मान लो y इज इक्वल टू x टू दी पावर x, यहां से dy dx तुमको निकालना है। मैं सबसे पहले बेसिक लॉगरिथमिक क्या फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो सिखाऊंगा। तो जब भी ऐसा मिलता है वेरिएबल के पर वेरिएबल, तो तुम दोनों साइड में लॉगरिथम अप्लाई करो। तुमने कर दिया, मेरे घर में खाना बन रहा है तो थोड़ा साउंड निकल रहा है। ओके, तो लॉगरिथम ऐसे कर दिया, देने के बाद क्या होगा, ये एक्स चला आएगा आगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, लॉग ऑफ m टू दी पावर n वाला जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई किया, बस ये जब मिला, अभी तुम ddx लगाओ इसमें, ddx लगाओ। ये मैं जो दे रहा हूं ये लंबा प्रोसेस है, ये जानना चाहिए, क्योंकि हमेशा छोटा प्रोसेस काम नहीं आएगा, तो लंबा प्रोसेस भी जानना चाहिए। तो इसमें आएगा 1 बाई वाई, और मैंने पहले ही बोला जब जब y और x मिलेगा नहीं, dy dx हमेशा पीछा करेगा। अच्छा, इसमें u इंटू v होंगे, तो इस बार डायरेक्ट करेंगे ddx ऑफ x मतलब 1, और पीछे रहेगा x, फिर ये रहेगा 1 बाई x। तो यहां से dy dx इक्वल टू y इधर लेके आओ, और तुम्हारे पास होगा log x प्लस 1, राइट। सो बिकॉज y is present in the original form, you can leave the answer here also. और अगर तुम इसको यूज करोगे तो y मत रखना, इसके जगह पे इसको ले लेना, बस ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब तुम
मुझे बोलोगे सर इतना लंबा करने से कैसे होगा, सही में इतना लंबा करने से नहीं होगा, इतना लंबा करने से नहीं होगा, इसका छोटा हम करके देते हैं, हम अभी करके देवतनी, ठीक है, इसका छोटा कैसे करेंगे, देखो ऑल्टरनेटिव कलर बदल लेते हैं, y इक्वल टू x टू द पावर x, y इक्वल टू x टू द पावर x, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा हमने तुमको अभी एक कुछ ऐसे सिखाया था ना, क्या मैंने ये सिखाया था, हाँ तो याद करो और लिखो, इसमें दोनों ही x है तो सोचने का बात ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा, तो आप देखो इस बार dy dx तुम्हारा डायरेक्ट निकलेगा, ddx of e to the power x log of x to the base e। अच्छा ये e to the power x वाला फॉर्मूला, e to the power box गधा, e to the power डब्बा, e to the power डब्बा मतलब क्या आएगा, यही आएगा, फिर डब्बा को तुमको डिफरेंशिएट करना है, डब्बा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x log e to the power x। तुम ध्यान देना, फिर एक बार का ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगला बार से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला दिस इज ऑलवेज दिस पार्ट ओनली, और ये पार्ट कहां से आया घूम फिर के देखो, ये ओरिजिनल इसमें से आया, तो इसका मतलब इसको अभी अगर लिखना चाहो तो e to the power x लिख दो, कोई मना नहीं करेगा तुमको, और अंदर वाला जो डिफरेंशिएशन करना है करो, क्या आएगा log of x plus 1 आएगा डायरेक्टली, तो तुम्हें वही मिला। नाउ यू कैन कंपेयर द नंबर ऑफ स्टेप्स, तुम नंबर ऑफ स्टेप्स को कंपेयर करके देख सकते हो कि कितना कम में हो जाता है, प्लीज चेक इट, चेक द आंसर एंड लेट मी नो, 5 सेकंड का टाइम है, तुम लोग देख लो, देख के मेरे को हो गया। अच्छा क्या किसी को इससे भी शॉर्टकट का आंसर चाहिए, आर यू इंटरेस्टेड टू नो एनी मोर शॉर्टकट, इच्छा है जानने का, अच्छा मतलब मास्टर शॉर्टकट एक चाहिए, वी हैव ए मास्टर शॉर्टकट फॉर दिस आल्सो, ध्यान से देखना, अपने पास इसको जमा करके रखना, तुम्हें फायदा होगा, मास्टर्स शॉर्टकट या फिर मास्टर्स बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये मत समझना ये मैंने डेवलप किया, ये मैंने डेवलप नहीं किया, ये पहले से ही है, मैं बस इधर उधर से खोजबीन करके निकाला, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू द बैकग्राउंड कंप्लीटली, तब तुम्हें ये समझने में आसानी होगा, ठीक है, समझने में आसानी होगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक फंक्शन है, इसमें एफ एक्स इसमें जी एक्स है, मैंने एक्स टू दी पावर एक्स का बात पढ़ा दी, तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम क्या करोगे, इसमें डी डी एक्स तो करोगे, मैंने जो शॉर्टकट सिखाया देखो अभी मैं पूरा डिडक्शन दिखा रहा हूं, तो इसको कैसे लिखोगे, z of x log of fx लिखोगे, है ना, कोई e to the power b वाला ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, ये वाला थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा जानने के लिए, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, ये तो e to the power box वाला फॉर्मूला मतलब यही बाहर आएगा, ये बाहर आएगा मतलब कौन सा बाहर आएगा, fx to the power gx से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आएगा, और अंदर किसको डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट यू डिफरेंशिएट, जी एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स, बस ये तुम्हारा लास्ट वाला है, ये डायरेक्टली हम जब यूज करेंगे यही हमारा मास्टर शॉर्टकट बनेगा,
कैसे बनेगा तुमको विश्वास नहीं भी हो सकता है अभी। आप जब मैं प्रॉब्लम में अप्लाई करूंगा तब पता चलेगा कि सही में ये मास्टर शॉर्टकट है। लिख लो इसको पहले, भले ही मैं इसको शेयर करूं बट यू प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेरी केयरफुली। ध्यान में रखना इसीलिए अंदर वाला बात को कि जी एक्स के ऊपर लॉग नहीं रखता है, लॉग किस में लगता है, बेस में लग रहा है, जी एक्स लॉग रखना। अभी चलते हैं आगे टू अप्लाई द मास्टर शॉर्टकट। अच्छा ये गलत हो गया, तो हम ऊपर चलते हैं, नीचे चलते हैं ऊपर। अच्छा इसका ऑल्टरनेटिव और बना लेते हैं, इसका मास्टर शॉर्टकट से करते हैं इसी का। तुमको अगर कल किसी ने बोला भाइयो यू फाइंड दिस, कहानी को देखना, कहानी देखना एकदम झकास कर दिमाग में। अच्छा ऊपर वाला मैं लिख लेता हूँ तो फिर तुम्हें नजर में आने से रेफरेंस अच्छा होगा। कंपेयर करो ये क्या है, जी एक्स है, सॉरी एफ एक्स, ये क्या है, जी एक्स है। तो मास्टर शॉर्टकट क्या बोलता है, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हो आगे उसको डाल दो, आगे उसको डाल दो, और डी डी एक्स के अंदर किसको डालोगे, पहले ऊपर का वैल्यू एक्स फिर लॉग ऑफ नीचे वाला, ये है तुम्हारा आंसर। इसको बोलते हैं मास्टर शॉर्टकट। क्या मैंने कहानी को क्लियर कर पाया? एमसीक्यू के लिए ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन एक मेथड है जिसमें तुम्हें कुछ ही नहीं करना है, लुकिंग एट द आंसर डायरेक्टली आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं और एक प्रॉब्लम करता हूँ, देख लेना। नंबर बी, सपोज तुमको किसी ने कल को तुमको ये निकालने दिया y equal to sin x cos x। मास्टर शॉर्टकट अप्लाई करेंगे हम लोग, इसका ऑप्शन में दे रहा हूं तुमको, ऑप्शन नॉर्मल ऑप्शन देखो जो बोर्ड में भी तुमको अलाउ करेगा यूज करने के लिए, e to the power x log of sin x, ये वाला जब करोगे, ये ऊपर कन्वेंशनल वाला बुद्धि है, तो इस वाले में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अप्लाई दिस इन द बोर्ड ऑल्सो। इसको डिफरेंशिएट करने से यही आएगा, मतलब तुम डायरेक्टली इसको ऐसे लिखो और ये होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स एंड देन यू कंप्लीट द प्रॉब्लम। साइन एक्स टू द पावर एक्स ये होगा लॉग ऑफ साइन एक्स राइट, और इधर होगा 1 by sin x cos, मतलब x cot x। ठीक है देख लो एक मिनट के लिए, जस्ट सी फॉर वन मिनट। ये भी मैंने बहुत छोटा ही कर दिया, ये भी बहुत छोटा ही कर दिया, बट अगर तुम इसको इस वाले मेथड में करना चाहते हो ऑल्टरनेटिव, तो तुम्हें क्या लिखना चाहिए, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ sin x टू द पावर x। तो मास्टर शॉर्टकट क्या बोलता है, साइन इसके ऊपर पावर एक्स से रहेगा एंड डायरेक्टली डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा, लॉग रहेगा नीचे में, रिमेंबर इट इज एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। अगर प्रैक्टिस करोगे ये वाला नहीं लिखे तुम आंसर तक भी पहुंच सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो योर आंसर इज हियर, इट इज वन नॉट एक्स, क्योंकि एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो योर आंसर विल बी हियर लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे 1 बाय साइन, फिर ऐसे करके तुम्हारा ये सॉरी कॉट होगा कॉट एक्स, तो ऐसे। ठीक है हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे, बुक का भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अभी मैं जानता हूँ आई एम वेरी श्योर कि बुक का हर एक क्वेश्चन, हो सकता है एक दो में डाउट हो, बट यू विल बी एबल टू इजीली डू दिस। सो मान लो मैंने तुमको ये करने के लिए बोल दिया, ऐसा प्रॉब्लम है बुक में भी, जैसे 2 टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर से x राइट, 2 टू द पावर sin x ऐसा है, इसमें दोनों यूज हो गया, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे है और इसमें लॉगरिथमिक हो गया।
साइन एक्स टू दी पावर एक्स तो आगे भी किया, तो इसीलिए मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकता हूँ। टू टू दी पावर साइन एक्स भी मैंने किया, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देने से क्या होगा, टू साइन एक्स होगा, लॉग ऑफ टू होगा, और क्योंकि एक्स के जगह में साइन है तो इसको डिफरेंशिएट किया, इसका आंसर क्या आएगा, साइन एक्स टू दी पावर एक्स, अभी अभी तुमने डिफरेंशिएट किया, अगर विजुअलाइज कर सकते हो तो खुद ही करो, ये होगा एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, तो एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग ऑफ साइन एक्स जिंदा रहेगा, फिर एक्स जिंदा रहेगा, लॉग ऑफ साइन एक्स मतलब कॉट एक्स, तो यू कैन राइट द आंसर सिंपली इन द सिंगल स्टेप, राइट, इज इट अंडरस्टूड बाय यू ऑल, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यू विल बी हैविंग सम अदर एक्सप्रेशंस आल्सो, बेटर यू विल सी द बुक देन यू विल गेट लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस। मैं अभी बस एक एक्सप्रेशन तुमको दिखा रहा हूँ जहाँ पे मुझे कन्वेंशनल लॉगरिथम कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं सिखा रहा हूँ, राइट, दैट इज टू बी नोन एक्चुअली। मान लो तुम्हें एक ऐसे दिया एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, इसको डिफरेंशिएट करने दिया, होगा तो यू बाई वी से कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर यू बाई वी, लेकिन मैं लॉगरिथमिक कैसे करूंगा, वही अप्लाई लॉग इन बोथ द सेट्स, सो लॉग हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में जो होता है लॉग में उसमें प्लस साइन आ जाता है सामने, और जो डिनोमिनेटर है उसमें माइनस आता है, ऊपर में कौन कौन है, दो है, तो इसके सामने प्लस आएगा दोनों के सामने ऊपर वाले में जब तोड़ दोगे, और इसके सामने क्या आएगा, माइनस आएगा, बस आप डिफरेंशिएट करो लेफ्ट साइड में, ये कन्वेंशनल ही होगा, इसको दूसरे शॉर्टकट तरीके से होगा भी नहीं, जो मैंने बोला इसको या तो कन्वेंशनल है तो यू बाई वी, सो ये वन बाई वाई और डी वाई डी एक्स जिंदा रहेगा, एज आई टोल्ड यू वेरिएबल बदलने से ये पीछे पीछे आएगा, इनको डिफरेंशिएट करो लॉग ऑफ डब्बा मतलब वन बाई डब्बा होगा, फिर डब्बा को डिफरेंशिएट करने से वन ही आएगा, अच्छा इन लॉग ऑफ डब्बा फिर वन बाई डब्बा डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे यही आ गए, फिर तुम वाई को इस साइड में लेके आओ, यू ब्रिंग वाई दिस साइड, और वाई में क्या है चाहो तो एक्सप्रेशन लिख दो, मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसमें ऐसे छोड़ के रख दिया, I am living it here like this. So this is the answer. Conventional world. ठीक है? Am I moving very fast? या मैं बहुत ज़्यादा speed में जा रहा हूँ? ज़्यादा speed में तो नहीं जा रहा हूँ मैं? ये फॉलो कर पा रहा है या फिनिश्ड, लेकिन इसको आप करूंगा मैं, अच्छा अभी एक करते हैं फिर, अभी थोड़ा सा बदल लेते हैं क्वेश्चन का स्टाइल, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तो लोग कर सकते हैं, मुझे पता है। फाइंड डी वाई डी एक्स इफ, फाइंड डी वाई डी एक्स इफ, मान लो एक्स टू दी पावर वाई इक्वल टू वाई टू दी पावर एक्स, डी वाई डी एक्स निकालूंगा, ठीक है, कन्वेंशनल तरीका क्या है, दोनों साइड में लॉग ले लो और डिफरेंशिएट कर दो, राइट, मैं वो नहीं करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिख दिया, वो तुम लोग कर पाएगा भी, कन्वेंशनल क्या है, टेक लॉग इन बोथ द साइड्स, दोनों में लॉगरिथम ले लो और डिफरेंशिएट कर दो, हो गया। एक स्टेप दिखा देता हूँ, लॉग दोनों साइड में लेने से क्या होगा मालूम है, You'll be getting this. और यहां से तुमको कन्वेंशनली करना है, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूं, राइट, दिस इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई टू पावर एक्स, राइट, आई विल बी अप्लाइंग व्हिच फॉर्मूला, नॉट द मास्टर शॉर्टकट, आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ई टू डी पावर दिस वाला करूंगा, ये लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि ये भी मास्टर शॉर्टकट से थोड़ा सा ही लंबा है, तो यू कैन यूज दिस, तो ये हो जाएगा, बस यहां से तुम अपना
जुगर बना लो, जुगर बना लो। कैसे जुगर बनेगा? अच्छा, ई टू डी पावर डब्बा का डिफरेंशिएशन ई टू डी पावर डब्बा ही है, मतलब यही आएगा। ये कहाँ से आया? एक्स टू डी पावर वाई से। तो डायरेक्ट देखो, टाइम वेस्ट मत करना इसमें, लिख दिया। फिर अंदर वाला डिफरेंशिएट यहाँ पे एक साथ ही करो। पहला वाला वाई को डिफरेंशिएट करेगा तो डी वाई डी एक्स, पीछे पीछे लॉग ऑफ एक्स बेचारा रहेगा। फिर लॉग ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेगा तो वाई बाई एक्स आएगा, बस हो गया। राइट साइड में फिर क्या आएगा? वाई टू डी पावर एक्स ऐसे ही रहेगा और अंदर डी एक्स ऑफ ये होगा। तो एक्स को डिफरेंशिएट करेगा तो लॉग वाई जितना रहेगा, फिर एक्स बाई वाई, पीछे पीछे डी वाई डी एक्स आएगा। क्यों आएगा समझ लो। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ से डी वाई डी एक्स लिखने का एक ही झटके में ही अपना तरीका बनाओ, मगर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि तुम लोग ज़्यादा ट्रांसफर ट्रांसफर मत करो, डायरेक्टली लिखने का चक्कर लगाओ। तो हमेशा याद रखना डी वाई डी एक्स का जो भी जोड़ीदार होगा वो नीचे आएगा। तो पहले जोड़ीदार को लिखो, डी वाई डी एक्स के साथ एक्सपांड करने से कौन रहेगा? देखो, ये रहेगा एक्स टू डी पावर वाई विथ लॉग एक्स, एक्स टू डी पावर वाई विथ लॉग एक्स रहेगा। फिर यहाँ से कौन आएगा? ये पूरा हिस्सा लेफ्ट साइड में आएगा डी वाई डी एक्स का। क्या आएगा देखो, वाई टू डी पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई। थोड़ा सा मैं दूर से करके दिखा रहा हूँ, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ये मल्टीप्लाई होगा, डी वाई डी एक्स इधर रहेगा। तो ये सिंप्लीफाई करने से क्या हो सकता है? माइनस वन इंटू एक्स, तो ये बन के आएगा माइनस एक्स वाई टू डी पावर एक्स माइनस वन। ये बन गया नीचे वाला हिस्सा। अब ऊपर में क्या रहेगा? ये वाला पहले लिखोगे वाई टू डी पावर एक्स लॉग ऑफ वाई, और यहाँ से उसको सलान दो इस साइड में, तो हाउ मच इट विल बी वाई इंटू एक्स टू डी पावर वाई माइनस वन। ये हो गया तुम्हारा आंसर एक्स टाइम, राइट? सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व और सिंप्लीफाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, एक दो और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मैं लूंगा, एंड द नेक्स्ट डे आई विल गो फॉर द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशंस। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ वन और टू क्वेश्चंस, अदरवाइज नहीं। एक काम करते हैं, आज मैं तुम लोगों को पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का टॉक कर देता हूँ, सो दैट तुम लोग उसको आगे बढ़ा सको, क्योंकि एक ही दो प्रॉब्लम ऐसा होगा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में जिसमें तुम लोगों को डाउट हो सकता है। तो दैट आई विल क्लियरिफाई इन द नेक्स्ट डे। तो अभी 5 मिनट का धीरे से को आई विल डू दैट। इसका प्रॉब्लम जो दो चार बचेगा दैट आई विल डू नेक्स्ट डे। तो तब तक तुम इसको भी प्रैक्टिस करके अपना हाथ में ला सकते हो। सो शुड आई स्टार्ट? नींद आ रहा है क्या? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स और मोर। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, तो इसमें होता क्या है? मैं पहले ये लिख के दे देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा। बोथ द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ ए थर्ड लेटर, दैट इज कॉल्ड अ पैरामीटर। इसको पैरामीटर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। तो जब हमें डी वाई डी एक्स निकालना होता है तो ये सिंपली होता है डी वाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स डी टी। प्लीज डू नॉट मिक्स अप विथ दैट शॉर्टकट व्हाट आई गेव यू फॉर इम्प्लिसिट वन। इम्प्लिसिट में डेल नहीं, डेल था मगर पार्शियल डिफरेंशिएशन था, इसमें मगर डी है। डू नॉट गेट मिक्स विथ दिस, दे आर नॉट द सेम। ये है तो इसका अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले देने से तुम्हारा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो किसी ने x इक्वल टू दे दिया a cos थीटा और y equal to d dia a sin theta। देखा है, x has been expressed in terms of theta, y also has been expressed in terms of theta। हाँ, a is a constant, कोई एक constant है जो zero नहीं है।
तो इसमें अगर तुमको मैं निकालने देता हूँ व्हाट इज डी वाई डी एक्स, बहुत ही सिंपल है, इट इज डी वाई डी थीटा, इस बार थर्ड लेटर डी थीटा है, तो बस यही है कहानी, इसी कहानी को आगे बढ़ा देना है। अभी डी वाई डी थीटा तुम डायरेक्ट यहाँ से बोलो कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा और नीचे होगा माइनस ए साइन थीटा, तो ए कट गया, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, ये हो गया एक नंबर टू। और एक जल्दी से करके दे रहा हूं, मान लो दिस इज 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, तो इस पर कौन सा पैरामीटर है, t पैरामीटर है, सो इट विल बी dy dt डिवाइडेड बाय dx dt, सो निकालो dy dt ये पहले आएगा, तो डिफरेंशिएट करने से 2a, a जो कांस्टेंट रिमेंबर है, और ये बनेगा 2a 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 कट गया, आंसर इज 1/t, बस dy dx is equal to 1/t, यही है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। दिस इज द एंड ऑफ टुडेस क्लास।